जैसे कि अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमें कम से कम ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के अंदर पूरे पूरे प्रोटीन्स जाएं। पूरे प्रोटीन्स कैसे जाएंगे, जब आप दूध लोगे, दही लोगे, दालें लोगे, लेकिन उनको हम अवॉइड कर देते हैं। अंडा हो गया या फिर जो नॉन वेज खाते हैं वो चिकन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी होती है। फिर आ जाती है हरी पत्तेदार सब्जियाँ या फिर हरी सब्जियाँ। अब हरी पत्तेदार सब्जियों में कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो सुनने में अच्छी लगे, जैसे भिंडी हो गई, करेला हो गया, तोरी हो गई, घिया हो गया, पालक, मेथी, सरसों, चौलाई। अब ये सब्जियाँ हम लोग को सुनने में, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब इतनी ज़रूरी होती है आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के अंदर कि ये आपको हेल्प करती है आपकी प्रेगनेंसी की खुराक को इम्प्रोवाइज करें, मतलब उसको अच्छा करें। अब जैसे अगर हम लोग पालक खाएं, गुड़ खाएं, चना खाएं, ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, हमारा खून का जो स्तर है वो मेंटेन रहेगा। हम लोग बोलते हैं ना कि खून की कमी होगी शरीर के अंदर, तो हम लोग शुरू से ही चौथे महीने तक जब तक हम आते हैं तो हम लोग को अपने आप को एक टैबलेट पर रखना है, तो हम क्या करें, चना, गुड़, पालक, बीटरूट, गाजर, गन्ना, ठीक है, इन चीज़ों को अगर हम लोग खाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो आयरन है, हमारा जो खून का स्तर है वो मेंटेन रहेगा। हमें क्यों बनाए रखना होता है खून का स्तर, अभी तक मैं बोल रही हूँ कि हमें खून का प्रभाव बनाए रखना चाहिए, हमें खून जो है कम नहीं होने देना चाहिए, वो क्यों नहीं होने देना चाहिए, उल्टा अगर हो जाए तो हमें खून का जो लेवल है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे ही शरीर से पोषण हमारे बच्चे तक जाता है। वो जो चेन होती है, वो जो कनाल होती है, वो जो बीच में एक रास्ता होता है जिसे कोर नाल बोलते हैं ना, उससे जो खाना बच्चे के पास जा रहा है, वहीं से उसके पास खाना जा रहा है, खाने के सारे पोषण जा रहे हैं, वहीं से उसके पास खून जा रहा है, खून की सप्लाई हो रही है। तो क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में जितना खाना जाएगा उसका 40% हमारे बच्चे के पास जाता है। अब अगर हम लोग ने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमें स्वाद लग रहा है सिर्फ वो खाएंगे और पोषण को भूल जाएंगे, तो हमारे बच्चे के पास क्या गया, स्वाद तो वो 4 महीने के बाद ही एनालाइज कर सकता है, 4 महीने से पहले उसे स्वाद का मतलब ही नहीं पता, वो थोड़ा बहुत ना अभी कि स्वाद कैसे पता चल सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो क्या होता है, 4-4.5 महीने के बाद हमारा बच्चा, अगर हम बहुत ज़्यादा खट्टा कुछ खाते हैं, बहुत कड़वा कुछ खाते हैं, बहुत तीखा कुछ खाते हैं, तो वो रिफ्लक्स देता है, ठीक है। अगर हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं और उस टाइम पे हम लोग एनालाइज करें तो कुछ जो है स्टडीज के अकॉर्डिंगली, मतलब कुछ लोगों ने जो अध्ययन किया उसमें पता चला है कि 4-4.5 महीने के बच्चा, जो गर्भ में बच्चा होता है, उसको पता लगना स्टार्ट हो जाता है अबाउट टेस्ट। इसलिए क्या होता है ना कि जब हम लोग की प्रेगनेंसी धीरे 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 बढ़ती जाती है तो हमें परेशानियाँ भी स्टार्ट होती है ना, जैसे जलन शुरू हो जाती है, ठीक है, बोलते ना कलेजे में जलन हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, या ये खाने का मन नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारा बच्चा अंदर से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, इसको अब अंदर नहीं भेजना है, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी के लिए हम लोग को एक पूरा का पूरा प्लेटर हमारा एक मन से प्लान कर लेना चाहिए, पूरी थाली। और हम लोग अभी कितना टाइम खाते हैं, मतलब नॉर्मली जब तक प्रेगनेंट नहीं होता कोई भी, कितना टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम। जब आप प्रेगनेंट हो जाते हो तो आपको अपनी ऑटोमेटिकली जो खुराक है वो 4 टाइम में कन्वर्ट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे 3 टाइम प्रॉपर खाना खाते हैं ना चाय नाश्ते को छोड़ के, ऐसे ही अब हमें अपनी थाली को 4 बार बनाना चाहिए दिन के अंदर, ठीक है। उस थाली में आप लोग खाने में रोटी चावल ले सकते हो, लेकिन साथ में आपको दाल, सब्जी, दही, सलाद, ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। अगर ये आप लोग अपने खाने में डालोगे तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा पोषण आपके बच्चे के पास जाएगा। प्लस अगर हो सके तो मसाले और मिर्चियाँ थोड़ी कम कर दें, उसके अंदर तेल कम कर दें। अगर हमें तेल खाना है, आप जैसे बोलते हैं ना घर में कि यही तो वक्त होता है खाना खाने का, ये खुराक बच्चे को लगती है, तो गुड फैट्स लो। अच्छे फैट कैसे मिलेंगे, हम लोग ऊपर से उसमें घी डाल रहे हैं, पराठे ना बनाकर रोटी ले रहे हैं, उस रोटी के ऊपर हम लोग घी डाल रहे हैं, सब्जी में तेल ज़्यादा ना डाल के सब्जी के ऊपर हम लोग घी डाल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो हमारे